हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है कि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो इसमें 99% जो होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं और 1% एंडोक्राइन का पार्ट होता है। एंडोक्राइन जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। एंड जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो उनके पास डक्ट होता है और वो केमिकल रिलीज़ करती हैं। जैसे कि मैंने बताया एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती, तो ये अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में से क्रिएट करती है। लेकिन यही अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें, इनके पास डक्ट होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट को डक्ट में सिक्रीट करती हैं, देन उसके बाद डक्ट के थ्रू स्पेसिफिक पार्ट में रिलीज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज के लोकेशन की। पैनक्रियाज स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है और ये स्प्लीन, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन से घिरी होती हैं। जो पैनक्रियाज का हेड होता है, हेड मतलब हेड जो होता है पैनक्रियाज का, वो राइट साइड में होता है। ये ड्यूडेनम से कनेक्ट होती है। ड्यूडेनम बोले तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है उसको जेजनम, और जो लास्ट पार्ट होता है ये सबसे बड़ा भी होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ईलियम। पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम से अटैच होती हैं। एंड जो टेल पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट पैनक्रियाज का लेफ्ट साइड में होता है, वो स्प्लीन से अटैच होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। सबसे पहले हम पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट देखते हैं। अगर हम पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एसिनर सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपको लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है जो एसिनर सेल होती हैं। एंड अब उसके बाद राइट वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये ग्रीन कलर के पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, जिसको कि हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रहे हैं, मतलब एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट होती हैं, उसी को हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये जो एसिनर सेल होती हैं ये सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, या हम लोग पैनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम या पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता है, जैसा कि मैंने लोकेशन में बताया था। जब तक पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में नहीं आया रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही ये पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के, मतलब ड्यूडेनम के सरफेस पे आते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा हम अब एंडोक्राइन पार्ट देखते हैं। अब हम पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एसिनर सेल के बीच बीच में जैसा कि आपको लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो शो हो रही हैं, मीन्स की इरेगुलर शेप के पैचेज होती हैं पैनक्रियाज के अंदर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो इसमें मेनली तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपको लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा है। पहला है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो ब्लू ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अल्फा सेल है, बीटा जो ऑरेंज कलर की है, एंड डेल्टा सेल का नंबर सबसे कम होता है। अब हम अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल की डिटेल स्टडी करते हैं। पहला हम देखते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है ये सिक्रीट करती है ग्लूकागन हार्मोन। जब हमें कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो जो ऑलरेडी लीवर में स्टोर है ग्लाइकोजन, ग्लूकागन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमको वापस से एनर्जी मिलती है। अल्फा सेल में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने पहले बताया कि जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है लीवर में ग्लूकोज, वो उसको तोड़ते जाता है एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। अल्फा सेल जो होता है वो 15-20% पूरे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट होता है। दूसरा हम देखते हैं बीटा सेल। ये जो बीटा सेल होती है वो सिक्रीट करती है इंसुलिन। अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो बीटा सेल एक्टिवेट होती हैं और बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से जो फ्री ग्लूकोज रहते हैं बॉडी में वो स्टोर हो जाते हैं लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जैसा कि अभी अल्फा सेल में हम लोगों ने बात किया है।
ये जो बीटा सेल होता है ये अल्फा सेल के अपोजिट होता है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो ग्लूकोज का लेवल था वो ब्लड में डिक्रीज हो रहा था, लेकिन बीटा सेल पर ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को। सबसे ज़्यादा बीटा सेल का ही नंबर होता है, जैसा कि आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है जो ऑरेंज कलर की है वो सारी बीटा सेल होती है। तो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में सबसे ज़्यादा होती हैं। इनका अगर हम लोग अप्रॉक्स बात करें तो 60 से 80% ये प्रेजेंट होती हैं। थर्ड हम बात करते हैं डेल्टा सेल की। डेल्टा सेल जो होती है ये सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होती हैं, अप्रॉक्स मतलब 2 से 10% प्रेजेंट होती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ये जो डेल्टा सेल होती है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का मेन फंक्शन है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागन को छोड़ के और जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से उसको रोकती हैं।